गर्मियों के मौसम में जब आप ये चार रिफ्रेशिंग और कूल समर ड्रिंक बनाएंगे तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। प्लस गेस्ट जब आएंगे तो फटाफट ये ड्रिंक सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में चार अलग अलग तरह के समर ड्रिंक बनाते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की ये मजेदार चार समर ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। वर्जिन मोजितो बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में हम 3 चम्मच चीनी ले लेंगे, फिर इसमें हम 2 चम्मच पानी डाल देंगे। हम चीनी का शुगर सिरप बना लेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल शुगर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि शुगर बहुत जल्दी घुल जाते हैं पानी में और शुगर सिरप बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये देखिए शुगर सिरप को मैंने बना लिया है। अब हम एक सर्विंग ग्लास ले लेंगे। जिस ग्लास में हम ड्रिंक को सर्व करेंगे उसी ग्लास में हम पुदीना डाल देंगे। तो मैंने पुदीने को अच्छे से साफ करके धो लिया है। फिर इसमें हम डाल देंगे नींबू का टुकड़ा कटा हुआ। फिर हम एक अदरक कूटने वाले ले लेंगे और उससे हम अच्छे से निचोड़ कर इस तरह नींबू का रस और पुदीने के रस को निकाल लेंगे। अच्छे से निकाले, गिलास को ना तोड़े, हल्के से इस तरह हमें प्रेस करना है ताकि नींबू का रस भी निकले और पुदीने का रस भी निकले। फिर इसमें हम डाल देंगे जो हमने शुगर सिरप बनाया है। आइस क्यूब डाल देंगे 5 से 6। फिर इसमें हम डाल देंगे सोडा, तो प्लेन सोडा का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए सोडा डाल देते हैं इसमें, और ये हमारा वर्जिन मोजितो बन के तैयार हो चुका है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे स्पून से ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और ये हमारा मजेदार सा वर्जिन मोजितो बन के तैयार हो गया है। देखा ना आपने, बनाना कितना आसान है। तो इस गर्मी एक बार इस ड्रिंक को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। जीरा सोडा बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्लास में हम आइस क्यूब ले लेंगे। इसमें हम जलजीरा डाल देंगे। आप कोई भी ब्रांड का जलजीरा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें हम 1 छोटी चम्मच काला नमक डाल देंगे और स्प्राइट डाल देंगे। आप इसमें अपने मन पसंद कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो इसे हम गिलास में डाल देंगे अच्छे से। तो ये देखिए ये हमारा मजेदार सा जीरा सोडा बनके तैयार हो चुका है। इसे गार्निश कर लेते हैं पुदीने के पत्ते के साथ और कटे हुए नींबू के स्लाइस के साथ। मसाला थम्सअप बनाने के लिए एक गिलास में हम आइस क्यूब ले लेंगे। फिर इसमें हम 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, चाट मसाला डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच, भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, और लास्ट में हम इसे कोको कोला या थम्सअप डाल देंगे। आपको जो कोल्ड ड्रिंक पसंद है उसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं इसमें कोको कोला डाल देती हूँ। और ये हमारा मसाला थम्सअप बन के तैयार हो चुका है। इसे आप ठंडा ठंडा सर्व करें। मसाला छाछ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक अदरक कूटने का बर्तन ले लेंगे। उसमें हम 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च ले लेंगे। फिर इसमें हम पुदीने के पत्ते डाल देंगे और इन सबको हम क्रश कर लेंगे अच्छे से। इसे हमें क्रश कर लेना है। ये देखिए इसी तरह हमें अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो सारे चीजों को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे। इसमें हम 3 टेबल स्पून दही डाल देंगे। छाछ पतली अच्छी लगती है तो ज्यादा दही का इस्तेमाल ना करें। मैं 3 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर इसमें हम क्रश किया हुआ अदरक, हरी मिर्च और पुदीना पत्ता डाल देंगे। काला नमक डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, प्लेन नमक डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच, आइस क्यूब डाल देंगे 4 से 5 और चिल्ड वाटर डाल देंगे 1/2 कप, और इन सबको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
तो ये देखिए सारी चीजों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे एक सर्विंग ग्लास में सर्व कर लेते हैं। अगर आपको तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है तो हरी मिर्च को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए इसे हम ठंडा ठंडा सर्व कर लेंगे और ये हमारा मसाला छाछ बन के तैयार हो चुका है। तो आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। तो ये हमारा चार तरीके का कूल और रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक रेडी हो चुका है, जिसे बनाना बहुत आसान है। जो ड्रिंक आपको पसंद है आप गर्मियों में जरूर ट्राई करें। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।